मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? किशन हमारा वहां इंतजार कर रहा है और सच का पता हम लगा चुके हैं, तो अपनी बकवास बंद करो और हमारे सामने से हटो। और अगर मैं प्रूफ कर दूं तो? जला तो नहीं ना हाथ? आप ठीक है? रिलैक्स, आई एम फाइन। चाय गिर गई हाथ? मैं ठीक हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हाथ जल गया। हमें छोड़िए, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप तो ठीक है ना? साक्षी प्लीज, आई एम फाइन। काकी प्लीज थोड़ी बर्फ ले आइए प्लीज। लाती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम बिल्कुल ठीक है, हमारे हाथ को कुछ नहीं हुआ है। ओके ओके, अग्नि तुम ठीक हो? हाँ वो आप दोनों एक काम कीजिए, आप ठंडे पानी में अपना हाथ डाल दीजिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा गिरा है, हम साफ करके आते हैं। संभाल। एक पहेली सॉल्व करने में हेल्प करोगी? गरम गरम चाय छल की। एक बहन अपने जले हुए हाथ को भूलकर किशन के हाथ के पीछे भागी और दूसरी बहन को यह स्ट्रेस था कि कहीं उसका लहंगा खराब ना हो जाए। तो बताओ कौन सी बहन ज्यादा प्यार करती है किशन से? एक सेकंड, ना तो चाय इतनी गर्म थी और ना ही किशन जला था। अगर हम किशन का हाथ पकड़ के वहां बैठे रहते तो तमाशा बन जाता। और तुम जो ये कोशिश कर रहे हो ना समीर, प्लीज उसको मत करो, बंद कर दो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाय तुमने जानबूझ के गिराई थी, लेकिन तुम हमारा और किशन का रिश्ता कभी नहीं गिरा सकते। Wow, I'm impressed। और तुम्हें साक्षी के चेहरे पर टेंशन नहीं दिखी? कितनी परेशान हो गई थी वो किशन के लिए। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और हमारे पीछे लगना छोड़ो तुम। ना मैं तुम्हारे पीछे हूँ और ना तुम साक्षी के पीछे हो। पर साक्षी उसे दिल से चाहती है। पर वो दिल से चाहती है किशन को, तभी उसका हाथ थामा और फूकने लगी। और तुमने क्या किया? तुमने एडवाइस दी और चली गई। अब तुम ही बताओ कि जिसने दिल की सुनी और हाथ थामा वो ज्यादा प्यार करता है किशन से, या जिसने दिमाग की सुनी और चला गया वो?